संतन भाई लोग कहाँ तक बड़ी हो गए, कोई संतन भाई तो सभी बात कर रहे हैं। मास्टर साहब जैसे हैं जैसे सांसद हरी कोई ना ये बात नहीं है तो बात करो जैसे तो लो पुखरा बाबा पुखरा पोखरा छोटे मोटे तालाब को पोखरा कहा जाता है। गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में चारों तरफ से पानी आके इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं पोखरा। जो पतित बन जाते हैं उनमें आकर के ज्ञान इकट्ठा होता है, या जो विजयमाला के मणके हैं उनमें आकर के ज्ञान इकट्ठा होता है। ज्ञान जल पतित अर्थात जो पोखरा बन जाते हैं उनमें होता है, या जो पावन होते हैं उनमें होता है। अरे ज्ञान जल कहाँ इकट्ठा होता है, किसको जरूरत है? पोखरा को पतित कहेंगे या पहाड़ की चोटी को पतित कहेंगे? बाबा मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ कहते हैं ना, मुक्ति कहते हैं छुटकारा। क्या कोई बंधन में है? नहीं, उस बंधन में रहने वाले को छुटकारा दिला दे तो कहेंगे मुक्ति ना। जैसे माताएं हैं, बहुत सी माताएं बंधन में हैं। बाबा ज्ञान क्या है? जानकारी सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है, झूठ को जानना है। जानने से सुनते हैं कि जानने से मुक्ति मिलता है, किस चीज को जानने से? सच्चाई को जानने से मुक्ति मिलेगी, झूठ से सच्चाई को पहचाना नहीं तो हम झूठों के चक्कर में आ जाएंगे या सच्चे के चक्कर में रहेंगे? नहीं पहचाना है तभी तो साधु संन्यासियों के चक्कर में फंसे रहे, विद्वान पंडित आचार्यों के चक्कर में फंसे रहे। वो अंदर से समझते भी थे कि हमको भगवान नहीं मिला है, फिर भी बोल बोल के भाषण कर करके हमको भगवान का रास्ता बताते रहे। तो झूठे थे या सच्चे थे? वो अंदर से भी समझते थे कि हम झूठे हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी सत्य और असत्य की, तो हम बंधन में ही बने रहेंगे। इसलिए अगर मुक्ति चाहना है, मुक्ति की चाहना है, तो क्या करें? पहले पहले ज्ञान ले, जानकारी ले, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, सत्य कौन है और उस दुनिया में झूठ कौन कौन है। अभी तो हमें जानकारी मिल गई। क्या जानकारी मिली? दुनिया में सात झूठे और एक एक सत्य, उसी का संग सत्संग है और बाकी औरों का संग सब लत्संग है। आज हमको साथ देंगे, कल लात मार के गिरा देंगे। काली गंगा जी जो नेपाल में उसी में सालिग्राम मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। यही मतलब है कि जिन सालिग्रामों की पूजा होती है वो सफेद होते हैं कि काले होते हैं? काले होते हैं। साली कहते हैं चावल को, अब ग्राम कहते हैं समूह को। क्या ये चावल जो है वो आत्मा की यादगार है? ऐसी आत्मा
जिसका पुरुषार्थ करते करते विदेह अभिमान का छिलका उतर गया हो, फिर उसकी पूजा होती। लेकिन पुरुषार्थ करेगा तभी ही पूजा होगी कि बिना पुरुषार्थ की पूजा होती है? पुरुषार्थ की पूजा होती है। इसीलिए शालिग्राम में सांप जैसा बंगन भी दिखाते हैं, मुक्ति मुक्तिनाथ में मिलते हैं। जो पुरुषार्थी हैं वो बंधे हुए हैं या मुक्त हैं? सब बंधे हुए, फिर भी उनकी पूजा होती। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए करते हैं, इस देह की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। स्वयं अगर हमारे एक मुरन कर बोला है तो अकाल मौत तो देखे किया है, अकाल मौत का जो पसंद आ गया है मुरली, आत्मा तो स्वयं अगर हमारे इसका मूर्त शब्द भी तो लगा हुआ है उसमें। आत्मा अकाल तो है, आत्मा को काल नहीं खाया था, लेकिन मूर्त शब्द भी तो लगा हुआ है। तो आत्मा मूर्ति धारण करती है या नहीं करती है? मूर्ति धारण करती है। मूर्ति माने साकार शरीर, साकार विग्रह। तो वो साकार विग्रह मरता है या आत्मा मरती है? साकार शरीर ही मरता है। बाकी एक ऐसा भी है जिसको कोई ने मरते हुए देखा ही नहीं, वो कौन है? वो ये काल जिसको कोई काल खा नहीं सके, जो सारी दुनिया को काल के गाल में जाते हुए देखता है लेकिन उसको कोई भी काल के गाल में जाते हुए देखता ही नहीं, इसलिए वो अकाल भूत गया हुआ। जो अमन अवस्था है, अमन अमन अवस्था है, तो मनुष्य के भीतर क्या होता है? है? अमन अवस्था में अवस्था में मनुष्य तो अमन होता ही नहीं। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद, जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला, उस मनन चिंतन करने वाले की जो औलाद बने, औलाद नंबर बार होंगे या 100% होंगे? नंबर बार होंगे। तो जो नंबर बार औलाद बनते हैं मनु की, वो है मनुष्य। मन का उपयोग तो करते हैं लेकिन 100% उपयोग नहीं करते। अगर 100% उपयोग करें तो मनु कहेगा, तो मनु के बच्चे हैं मनुष्य, वो मन जरूर चलावेंगे। मन चंचल बनेगा तो मनुष्य है, और मन का चलना बंद हो जाए, मन अपना काम करना ही बंद कर दे, मन का काम खराब, ऐसी स्टेज बन जाए कि कोई संकल्प है, कोई संकल्प विकल्प चले ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अमन। अमन चैन में रहने वाले हैं देवता। क्यों? क्योंकि उनका मन चलाए मन होता ही इच्छा मात्र अविद्या, वही बात, इच्छा करना, कामना करना, कहते भी है काम जीते जगत जीत, कामना को जीत लिया, इच्छाओं को जीत लिया तो सारे जगत को जीत लिया। इसमें जो मुरत में है स्वर्ग नर्क जैसी जो पुरानी साधना करते हैं ना, हम जो साधना करते हैं ना, लेकिन जो इच्छा वो स्वर्ग पाने की इच्छा भी एक प्रकार का इच्छा है बाबा। जो हम पाने जो हम स्वर्ग पाने की इच्छा करते हैं वो इस शरीर के लिए करते हैं कि आत्मा के लिए करते हैं?
काहे के लिए करते हैं? आत्मा के लिए करते हैं, तो अच्छी बात है। वो तो पुरुषार्थ की लिस्ट में आता है, पुरुष माने आत्मा, देह के अर्थ नहीं है, स्वार्थ के अर्थ नहीं है। जो मनुष्य होते हैं वो रथ के अर्थ करते हैं, रथ अपने रथ के लिए करते हैं। जैसे लोग तो दुनिया में कोई नौकरी धंधा कर रहा है तो आत्मा के लिए कर रहा है या शरीर के लिए कर रहा है? रथ के लिए कर रहा है, उसको कहेंगे स्वार्थी। मन चित्त और आत्मा में क्या है? मन चित्त और आत्मा, हाँ, तीन तीनों चीजें एक क्या है? चित्त कहते हैं जो वाइब्रेशन बनाता है, हम जो भी संकल्प करेंगे उस संकल्प का वाइब्रेशन घूमता है, उसमें बुद्धि का भी सहयोग है, उसे चित्त कहते हैं। चैतन्य शक्ति के आधार पर वाइब्रेशन घूमते हैं। जो पत्थर है वो थोड़ी वाइब्रेशन की रचना करेगा, कौन करेगा? मन बुद्धि ही वाइब्रेशन की रचना करती है। हाँ बाबा, शिवरात्रि में जब मंदिर में सब और तो लोग दूध चढ़ाते हैं, ये चढ़ाना चाहिए या नहीं? जो दूध चढ़ाते हैं, चढ़ाने वाले लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं या बिंदी के ऊपर चढ़ाते हैं? लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। चढ़ाने वाले जानते ही नहीं कि लिंग क्या होता है और उसमें जो बिंदी रखी जाती है वो बिंदु क्या होता है। अब हमको तो पता लग गया क्या लिंग क्या है, साकार की यादगार, और बिंदु क्या है, निराकार की यादगार। तो ज्ञान का सागर वो लिंग है या उसमें बिंदु है? ज्ञान सूर्य है, बिंदु जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया जाता है वो ज्ञान सूर्य है, और जिसमें प्रवेश करता है वो लिंग है। तो वो भी कभी ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? वेदिक में आता है कि नहीं आता है? लिंग जिस साकार की यादगार लिंग बनाया गया है मंदिरों में, वो चैतन्य लिंग जिसका जड़ पत्थर यादगार बनता है, मंदिरों में पूजा जाता है, वो कभी ज्ञान में आया होगा कि नहीं? चैतन्य में आया होगा। तो किसी ने उसके ऊपर ज्ञान जल चढ़ाया होगा तभी आया होगा कि बिना चढ़ाए आ गया है? नहीं चढ़ाया, चढ़ाया तो वो यादगार बनी हुई है। कलयुग के अंत में भगवान साधारण मनुष्य भेटना आते हैं, घर घर में मूलमती मनुष्य नहीं पहचान दे, बुद्धिमान बुद्धि मनुष्य पहचान दे, बुद्धिमान कौन है मूलमती कौन है? दादा पहचानते हैं, उसकी बात तो मानते हैं, जो नहीं पहचानते हैं वो धक्केबाज हैं। अरे जो पहचानेंगे वो मानेंगे या जो पहचानेंगे ही नहीं वो मानेंगे? पहचानेंगे वही मानेंगे। तो ब्राह्मणों की दो कैटेगरी अभी खास देखने में आ रही है, एक बेसिक एक एडवांस वाली। तो कौन मानते हैं हम, कौन धक्के मारते हैं? है? जो मानते हैं हाँ, वो उनको कहेंगे नहीं जानते है? एडवांस में अगर माया उनको हक कर लेती है तो कहेंगे अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय के, नहीं जानते मानते मानते तो है लेकिन बाप को नहीं मानते है, बाप को तो मानते हैं लेकिन बाप की बात को तो नहीं मानते एडवांस में। नंबर वाले ना
ऐसे तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, कुछ ना कुछ तो मानते हैं। तो नंबर वार लिस्ट में आपने अभी अभी मुरली में कहा है चाहे शंकर कहो चाहे कृष्ण कहो दोनों एक ही है, एक ही है समझ में। संगम युग में अभी कृष्ण की आत्मा कौन है? संगम युग में कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है या नहीं है? है। वो ज्ञान चंद्रमा शंकर के मस्तक में प्रवेश करके पाठ बजाता है या नहीं बजाता है? तो पर्सनालिटी एक है या दो है? ये अभी तक समझ नहीं आया। कैसा तुम एडवांस कोर्स किया है बाबा? 2012 के जो सब कोई हल्ला कर रहे हैं, जो कि दोस्त होगा, जो कौन हल्ला कर रहे हैं? अज्ञानी 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 लोग हल्ला कर रहे हैं। हम तो हम क्यों हल्ला करेंगे? हम तो बड़ी सभा में बोलने वाले भी नहीं है, हम क्यों बोला ऐसी बात? झूठ बातों को हम प्रचार क्यों करें? जो झूठी बातें हैं, अज्ञानियों की बातें हैं, मनुष्यों की बातें हैं, हम जानते हैं मनुष्य अज्ञानी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? क्या है? अज्ञानी है। तो हम उनकी बातों का प्रचार क्यों करें? हम बाबा की बातों का प्रचार करें या अज्ञानियों की बातों का प्रचार करें? वो अज्ञानी है माने रावण संप्रदाय है। हम रावण संप्रदाय की पाला की रस्सी में हाथ ही क्यों लगाएं? ये बुद्ध रूपी हाथ उसमें हम क्यों लगाएं? रस्सा कसी हो रही है राम रावण जी, तो हम कौन सी पाला में हाथ लगा रहे? ये बुद्ध रूपी हाथ लगाना ही है तो राम की पाला में हाथ लगाएं। उन बातों का प्रचार प्रसार करें जिन बातों का प्रचार प्रसार करने में रामवाणी आत्मा लगी हुई है, शोभा की बातों का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई। मनुष्यों की बातों से तो नरक बना या स्वर्ग बना? मनुष्य माने नर, प्रजापिता भी नर है या भगवान है या देवता है? नर है। हम प्रजापिता की भी बात नहीं मानते क्या? हम तो कहते हैं बाबा की बात कि चाहे प्रजापिता हो चाहे ब्रह्मा हो दोनों नर हैं। है कि स्त्री है? नर है। तो नरक बनाते हैं स्वर्ग बनाते हैं? वो नरक बनाने वाले हैं। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, दुर्योधन दुशासन क्या बनावेंगे? नरक बनावे। हाँ उनमें प्रवेश करके जो बनाने वाला है असली वो स्वर्ग बनाता है। क्यों स्वर्ग बनाता है? कि वो सदैव स्वयं स्थिति में रहता है ना। प्रजापिता सदैव स्वयं स्थिति में रहता है ना, ब्रह्मा सदैव स्वयं स्थिति में रहता है नहीं रहता? अगर प्रजापिता और ब्रह्मा ये आत्माएं सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाली बन जाए तो क्या बन जाएगा? तो स्वर्ग बन जाएगा। तो हम किसका प्रचार कर रहे हैं? दादा हम लोग किए हुए कर्मों का रिकॉर्ड कैसे रहता है? कर्मों का रिकॉर्ड कैसे रहता है? जम कर्मों का रिकॉर्ड कैसे रहता है? कौन रखेगा रिकॉर्ड? हमारी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है खुद ही। क्या जो 63 जन्मों का रिकॉर्ड है वो हमारी आत्मा में भरा हुआ है, वो रील घूमती रहती है और हमें पता चलता रहता है। मेमोरी कार्ड है? मेमोरी कार्ड। हाँ जी हाँ जी, मेमोरी कार्ड। मेमोरी माने याददाश्त। आपको मेमोरी आती है, हैं? जब आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं और बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी रात के 1 बजे भी जग जाते हैं और याद नहीं आती है। याद फिर भी असरों की आ जाती है तो हम समझ जाते हैं हमारे कोई पाप कर्मों का लेखा जोखा, पाप कर्मों की रील उदय हो गई।
मेमोरी आ गई कि नहीं? हाँ भाई, मेमोरी मनी आता, ये मेमोरी कार्ड है। कभी ऐसा होता है कि हम कोई खास पुरुषार्थ करते भी नहीं, लेकिन अवस्था बहुत अच्छी बन जाती। तो अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड उदय हुआ या खराब कर्मों का? अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड उदय हो गया, हमको मेमोरी आ गई, याद आ गई। ये चलता है कि देवताओं का उम्र 125 वर्ष होता है, ये सही है? ये एवरेज एज है। क्या एवरेज एज के लिए ये नहीं कहा जाता कि फिक्स है 125, टोटल मिलाकर के कहा जाता है 125। त्रेता के आदि में ज्यादा होगी और त्रेता के अंत में कम भी हो, लेकिन टोटल एग्रीगेट मिला करके कहते हैं औसत आयु एवरेज एज 125 वर्ष। जैसे कलयुग में अभी कहते हैं एवरेज एज 30 साल, 35 साल, 40 साल, बस। क्यों कहते हैं? कि कोई तो गर्भ में ही मर पड़ते हैं, कोई बचपन में मर पड़ते हैं, कोई नौजवान होकर मर पड़ते हैं, कोई कोई है जो पूरी आयु होती है फिर पहले छोड़ते हैं। तो टोटल मिला के कलयुग के आज में और कलयुग के अंत में एग्रीगेट कहा जाता है कि 30-40 साल एवरेज कलयुग में होती है, वो भी सारी दुनिया की। क्योंकि रशियंस तो कोई 100-100 वर्ष भी होते हैं, लेकिन रशिया में तो बहुत थोड़े लोग, उसके मुकाबले चीन और भारत में तो कितने ज्यादा भरे पड़े हैं। तो टोटल सारी दुनिया की एवरेज एज निकाली जाती है, उसके आधार पर कहा जाता है 30-40 वर्षों पर। बेसिक वाले ने कहते हैं कि हम लोग को बिछड़े हुए आत्मा है, बोलते हैं ये क्या क्या है? बिछड़े हुए आत्मा? हाँ। किससे बिछड़े हुए? अरे किससे बिछड़े हुए ये तो बताओ। हाँ। पूछो उनसे, अरे हम किससे बिछड़े हुए हैं? वो तो मैंने बताया था, हम तो बाबा के साथ और साथ है ना। हाँ। किससे बिछड़ना है और किससे मिलना है? वो बात बता दे। चोर डकैतों से मिलना है या चोर डकैतों को जो बड़े से बड़ा साहूकार बनाने वाला है उससे मिलना है, जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, विश्व का मालिक बनाने वाला है उससे मिलना है, या जो फकीर बनाने वाले उनसे मिलना है? मांग मांग करके अपना घर भरते जाते, लूट लूट के अपना घर भरते जाते। आज के बड़े बड़े मिनिस्टर देखो, बड़े बड़े पूंजीपति देखो, ये लुटेरे हैं या हमारा हमको कुछ देने वाले हैं? क्या है? ये सारे ही लुटेरे हैं। तो इन लुटेरों से मिलना है या दाता से मिलना है? तो वो दाता हमको मिल गया है, हम काहे के लिए बिछड़े हुए? हाँ ये है कि अगर हम नौकरी टॉकरी करते हैं कन्या होने के बावजूद भी तो समझते हैं, लोग कहेंगे इनका बाप नहीं आया हुआ, हम इधर एडवांस में आ गए ना। आप आ गए? आप नहीं, एडवांस नॉलेज सीख लिया है। आगे तो आगे आगे देखेंगे तभी तो। अब तो आगे आगे नहीं, आप तो जैसे दुनिया चाकरी कर रही है, आप भी चाकरी कर रहे हैं, नौकरी दास दासी बन रहे। अभी दास दासी के कर्म करेंगे, दास दासी बनेंगे, संस्कार कौन से पड़ेंगे? दास दासी के संस्कार पड़ेंगे या स्वाधीनता के संस्कार पड़ेंगे? दास दासी के संस्कार, 84 जन्मों के संस्कार पड़ रहे हैं अभी हम आत्मा में। तो क्या मतलब ये ठीक पूछा तुमसे? बाबा कोई ये जो बेसिक से
कितना आत्मा आते हैं ज्ञान को समझ के बुझ के बाबा को पहचान के, कितना आते हैं ये लोग सब चला गया, अभी जाए सब उधर किया ऐसे रहिए बाबा, हाँ सब चला गया मैं भी जाऊँ। क्या समझे क्या ना, बेसिक से जो आते हैं आए एडवांस में, एडवांस में कोई आते हैं ज्ञान को समझ के बाबा को पहचान के, ज्ञान समझ के ना आता है, नहीं तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा भी आत्मा है वो ये लोग सब चला गया ऐसा हम भी जाए देख के, देख के भी वैसे ही पता ही नहीं है, ऐसा भी है माने यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जो एडवांस को नहीं समझते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, आएंगे ना देख के आता है बाबा, देख के ज्ञान से आगे देख के जब देखेंगे इनका हुजूम बहुत बड़ा हो गया। हाँ यही यही बोल रहा हूँ मैं, तो बहुतों को देख करके वो भी आ जाते हैं, वो भी देख करके आ रहा है, वो ज्ञान को समझ के थोड़े जाते हैं, उनको कहेंगे भगत, वो बाप के बच्चे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे नहीं है, वो ज्ञान सागर के बच्चे नहीं है, किसके बच्चे हैं क्या भगत हैं, भगत जो भक्ति फैलाने वाला रावण है ना उसके बच्चे बाबा, ये बच्चे लोग बाबा से खाली धन दौलत मांगते क्यों है, कौन सी धन दौलत जो है जो पैदरी जो है जो है लोक में लाओ के तुम्हें, वो कोई भगवान के बच्चे हैं क्या, वो तो रावण के बच्चे हैं, वो रावण के बच्चे हैं कि राम के बच्चे हैं, रावण के बच्चे, रावण के बच्चे हैं, भगवान राम तो सिखाता ही नहीं है कि तुम मांगो, अरे हम किसके बच्चे हैं, ऊंच से ऊंच भगवान जो राजाओं का राजा महाराजा विश्व का मालिक बनाने वाला है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम किसी से मांगेंगे कैसे, मांगने से तो कर नीचा हो जाता है। है पार शब्द जो है, एक तो होता है पार और एक होता है पार नहीं गया डूब गया क्या, तो वो पार है, उसका पार शब्द से बना है पार। और जिसके संग के रंग में आने से हम पार चले जाएं तो है वो पार, जिसके संग के रंग में आने से बजाय पार जाने के क्या और ही डूब जाए, बुद्धि जो है गड्ढे में चली जाए, तो उसको पार नहीं कहेंगे। बदले में हम भगवान मुगलर एक जाति है बोल सकते हैं कि नहीं, मुगलर एक जाति किसी ने समझा क्या पूछ रहे हैं, भगवान को सर्वव्यापी ना कह के क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान मुकरर एक से एक व्यापी है, तो कहने से कोई थोड़े मार समझाना पड़ेगा, समझाते इसमें ये बोल सकते हैं, बोलने से नहीं कोई मानेगा, समझाना पड़ेगा कि एक व्यापी कैसे है, अगर हम सिर्फ ढोल पीटते रहे एक व्यापी है सर्वव्यापी नहीं है नहीं है नहीं, पागल में और लग पड़ेंगे, पागल हो गया, इसलिए इतनी शिफ्ट आनी चाहिए कहने के साथ साथ कि जो बात हम कहते हैं वो हम दूसरों को समझाए भी सके। पढ़े होंगे किताब में है बी भू का अर्थ वो नहीं समझ के आपके जितने सफल व्यक्ति बना दिया, बी भू आप भी देख सकते हैं, बी भू इतना ही एक दो ही शब्द का अर्थ न जान के न पहचान के सब व्यक्ति कर 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 दिया, और बी भू को व्याख्या करना, बी माने विशेष और भू माने पैदा होना, क्या भू माने पैदा होना,
विशेष रूप से जो पैदा हो जाए उसे कहेंगे विभु। तो और आत्माएं तो गर्भ से पैदा होती, कीड़े मकोड़ों की आत्मा है, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, चाहे शेर चीतों की आत्मा हो, वो तो गर्भ से पैदा होती है। लेकिन परमात्मा गर्भ से पैदा होता है? वो विशेष रूप से भू माने प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ प्रवेश कर गया तो प्रत्यक्ष हो गया। अगर प्रत्यक्ष हो गया तो सब पहचान है, सारी दुनिया पहचान रही है नहीं। लेकिन अज्ञातवाणी बाबा ने बोला जो देखे जो सुने जो संपर्क में आवे वो कहे कि मेरा बाप आ गया, ऐसा समझ का रंग लग जाए तो कहेंगे विशेष रूप से भू, भू माने हुआ। उसका अर्थ कोई उल्टा लगा लेते उससे नहीं क्या किया जाए, शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जबर सच्ची जान बूझ के सर्वव्यापी अर्थ लगा दिया, जबकि गीता में तो पूरा श्लोक है मैं कहां का रहने वाला हूं। सर्वव्यापी होता तो ऐसे क्यों कहते जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता मैं वहां का रहने वाला हूं, जहां जाकर के मनुष्य आत्मा वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। क्या जब दुनिया का विनाश होगा तो सब आत्माएं उस लोक में जाएंगी, इस मृत्यु लोक में आएंगी है? नहीं आएंगी। वो मेरा परम धाम है, पूरा श्लोक दिया हुआ है, फिर भी जबरदस्ती हिलाए पड़े हैं कि सर्वव्यापी। अब हमें साबित करना है क्या कि सर्वव्यापी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही व्यापी है, और जो एक है वो हमारा बाप भी है। क्या बाप भी है माना उस बाप को जन्म देने वाला कोई नहीं है, उस बाप का दाता कोई नहीं है। बाप होता है बच्चों का दाता, वर्षा देता कि नहीं, लेकिन जो हमारा बाप आया हुआ है एक व्यापी उसको देने वाला कोई नहीं, वो सबको राजा ही देता है, देने वाला है, लेकिन उसको देने वाला प्रैक्टिकल साकार रूप कोई नहीं है। वो हमारा बाप भी है, वो ज्ञान का बीजारोपण हमारे अंदर करता है। बीज बोने वाला बाप कहा जाता है ना, लेकिन उसको ज्ञान का बीज डालने वाला कोई बाप नहीं है साकार में। कोई दुनिया में हो जो उसको ज्ञान का बीज डाले, पहचान दे रहे कि तुम राम की आत्मा हो, तो बता दे दुनिया में कोई ऐसी आत्मा है जो राम वाली आत्मा को बताए तुम राम की आत्मा हो, प्रजापिता वाली आत्मा हो, शंकर वाली आत्मा हो? होगा कोई? कोई साकार नहीं। तो वो सबका बाप है लेकिन उसका कोई बाप नहीं, वो टीचर है सुप्रीम, उसका कोई टीचर, वो सबको पढ़ाई पढ़ाता है, सबको रास्ता बताता है, ढेर के ढेर उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, न सुने वो बात दूसरी है, लेकिन अगर सुनेंगे बैठेंगे समझने के लिए तैयार होंगे तो समझेंगे जरूर। तो वो सबको समझाने वाला टीचर है लेकिन उसको समझाने वाला कोई हो दुनिया में तो बताए। वो सबकी बुद्धि की सदगति करने वाला है, बुद्धि को घुमाने वाला है, जो बुद्धि नीचे जा रही है उस बुद्धि को नीचे से सदगति ऊंची गति में ले जाने वाला है, लेकिन उसकी बुद्धि को नीचे से ऊपर ले जाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। ऐसी ऐसी बातें मुरली में छाप छाप के जाओ, मुरली में तो ढेर सारी बातें बाप की ही पहचान दे रही है। जहां जहां ये शब्द आता है ये बाप बैठ समझाते हैं।
तो समझ लो वहाँ पर कोई ऐसी खास बात है जो बाप ही समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। गुरु वर्मा, गुरु कृष्ण, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तमिल परम ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा ब्रह्मा तो बहुत है, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? अरे प्रजापिता का कोई पाप है नहीं। तो परम ब्रह्म हुआ ना, ब्रह्मा का बाप है। ब्रह्मा को ज्ञान देने वाला कोई है या नहीं है? ब्रह्मा रचना है, उसका बाप रचयिता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु को भी ज्ञान देने वाला कोई है, लेकिन उससे भी ऊंचा महाईश्वर जो बड़े से बड़ा शासन करता है, उसके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। वो महेश्वर है, महाईश्वर, महेश्वर है, बड़े से बड़ा शासन करता है वो महेश्वर है। फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? साकार को कहा जाता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना बाबा एक ग्रंथ से, तो शिव बाबा इधर के शिव बाबा वो शेष को के साक्षात प्रब्रह्म बराबर है। हाँ, शिव बाबा परम ब्रह्म नहीं है, साक्षात प्रब्रह्म। हाँ, और गुलजार वादी 9 साल के पवित्र कन्या में यज्ञ में आकर साधना करती है, ठीक है। उनको हाथ से क्यों ऐसा कर्म हो जाता है जो सती उनके लास्ट 8 जन्म उसके साथ बन जाती है? चलो कन्या है, कन्या बन के यज्ञ में आई, तो बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध है? और कन्याओं के मुकाबले बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध बुद्धि। तो जो शुद्ध बुद्धि कन्या है उसको ब्रह्मा बाबा से चिपकना चाहिए, ब्रह्मा बाबा की गोद में भागना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा बुलाते रहते थे और वो भाग जाती थी। आया समझ? इसलिए ब्रह्मा बाबा का लगाव उस बच्ची में लगा रहा, जीवन पर्यंत लगा रहा, मरते मरते मर गए और वो लगाव खत्म नहीं हुआ। तो वो आत्मा जब शरीर अपना छोड़ भी देती है ब्रह्मा, तो फिर किसको पकड़ेगा? है उसी को पकड़ेगा, तो पकड़ लिए। दो हजार 2036 के बाद 2036 के बाद स्वर्ग स्थापन होगा, ये क्या बात हुई? मुरली बोला है, अभी उल्टी पलटी बात क्यों बोला करते हो? मुरली ने ये बोला है, पतित दुनिया है तो पतित दुनिया में सब पतित होंगे, बोला है ना? और पावन दुनिया है तो पावन दुनिया में सब पावन होंगे, तो सतयुग में क्या होंगे? हैं? कहां से आएंगे? ये तो सब पतित दुनिया है सन 36 से पहले, आपके अनुसार जो आप समझ रहे हैं उसके अनुसार सन 36 से पहले पतित दुनिया है सारी, तो पतित दुनिया में तो सब पतित है, वहां तो पावन कोई आएगा नहीं। फिर 36 के बाद पावन दुनिया बनेगी, तो कहां से आ जाएंगे? ब्रह्मा कुमारियां कहती है ऊपर से सितारे आएंगे, नीचे आके भी प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। कौन जाएंगे? संगम युग में जो पतित हैं वो वहाँ पावन बन के जाएंगे, पावन बनेंगे, हैं? अभी पावन बनेंगे।
तो अभी पावन बनेंगे कि सतीगुण में पावन बन के जाएंगे? सतीगुण पावन होंगे, पावन संगम में बनेंगे या सतीगुण में होंगे पावन? संगम में, हाँ संगम में ही पावन बनने का फाउंडेशन लगेगा। सो कैसे लगेगा? यहाँ तो सारी दुनिया पतित होगी है, तो पतित में सब पतित ही होंगे, पावन कहाँ से आ जाएंगे? अरे इनकी बात तो क्लियर हो जाएगी, आप सुनी नहीं, इनकी बात सुनी नहीं है, आप अपनी तरह लगे हुए। इनका प्रश्न ये है कि पतित दुनिया में सब पतित हैं, संग 36 तक पतित दुनिया रहेगी कि पावन दुनिया भी होगी? हैं? हैं? पावन दुनिया संग 36 तक पावन दुनिया आगे 36 के बाद होगी या संग 36 से पहले भी होगी? पहले ही होगी। हाँ पहले ही होगी, लेकिन पहले पतित दुनिया होगी या पावन दुनिया होगी? पहले होगी, पहले होगी। सच से पहले जिस समय महाविनाश हो रहा होगा आखिरी जोर शोर का, उस समय दुनिया में सब पतित होंगे या पावन होंगे? माना पावन भी होंगे और पतित भी होंगे। बाबा ने तो बोला पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं, आप क्या करें? नहीं ओके बोलो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, हम लोग तो पावन बनेंगे ना। अभी बता दिया फरिश्ते जो होते हैं वो इस संसार में प्रैक्टिकल जीवन में फरिश्ते बनना है या ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके जाके फरिश्ता बनना है? हाँ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो इस शरीर में रहेंगे, कर्मेंद्रियां चैतन्य होंगी, शरीर से हलन चलन वाले होंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों का लगाव नहीं होगा क्योंकि मन चिंतन मंथन में उड़ता रहेगा। मन का लगाव जो है देह और देह के संबंधियों में नहीं जाएगा, तो उनको पवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? फरिश्तों को पवित्र कहा जाता है या पवित्र कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर फरिश्ता है, पवित्र है या अपवित्र है? तो ऐसी दुनिया पहले तैयार होगी मन का ही। शंकर द्वारा मन बुद्धि को चेंज किया जा रहा है या शरीरों को चेंज किया जा रहा है? मन बुद्धि कर्मों को चेंज किया जा रहा है ना, कर्मों को नहीं चेंज किया जा रहा। चेंज करने वाला खुद विष पीता है कि नहीं पीता है? पीता है। जो चेंज करने वाला शंकर तुम बता रहे हो ना कि वो कर्मों को चेंज करता है, तो शंकर खुद विष पीता है कि नहीं पीता है? जो खुद ही विष पीता है वो दूसरों को क्या चेंज करेगा? इसलिए बोला है कि विजय माला का आवाहन करो, कन्याएं माता ही ईश्वर का गेट खोलेंगी। ये ब्रह्मा और शंकर तो पुरुष हैं, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, ये स्वर्ग का गेट नहीं खोलेंगे। इसलिए कर्मों को चेंज नहीं करता है कौन? ब्रह्मा या शंकर। ब्रह्मा खुद तो अच्छे कर्म करता है क्या, लेकिन दूसरों को चेंज नहीं कर सकता। ब्रह्मा के जीवन में क्या देखने में आया? खुद तो अच्छे कर्म किए लेकिन दूसरों के ऊपर कभी फोर्स डाला नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं करता है। न कर पाने के कारण ही ये अंजाम हुआ कि खुद के शरीर से भी हाथ धो गए थे। जिस पुरुषार्थी शरीर से पुरुषार्थ कर रहे थे वो शरीर भी छूट गया। किसके कारण छूट गया?
उन्हीं आदमी बच्चों के कारण छूट गया। तो वो खुद को तो उन्होंने जीवन में चेंज किया कर्मों को, लेकिन दूसरों को चेंज करने की ताकत उनमें नहीं थी। और शंकर, शंकर का पाठ क्या है? शंकर शंकर ये भी छोड़ के चला गया। अरे आदि की बात करो, आदि की तो बात छोड़ो ना, ब्रह्मा बाबा का बात करो। हाँ ब्रह्मा बाबा तो चले गए, लेकिन शंकर आज में तो शंकर प्रत्यक्ष ही नहीं था। अभी तो एडवांस पार्टी के सामने दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष है, लेकिन वो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष है वो करणहार है या करावनहार है? ब्रह्मा करणहार का पार्ट था, अच्छे कर्म करके दिखाए, लेकिन बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया। और शंकर, शंकर बिल्कुल विपरीत, खुद करे या न करे लेकिन लेकिन बच्चों से फोर्सिबली करा के छोड़ेगा, कराएगा तब इस दुनिया से वापस जाएगा। जब तक बच्चे अच्छे कर्म करना न करें तब तक पिंड छूटने वाला नहीं, कोई कितनी भी ताकत लगाए वो छोड़ने वाला नहीं। लेकिन खुद तो कर्म करता है, खुद तो नहीं करता। तो ये नियम है, जो खुद धारण करेगा वो दूसरों से कराएगा, खुद धारण नहीं करेगा तो दूसरों से कराएगा नहीं। तो तरीका अभी बता दिया, अज्ञात वाणी में क्या करो, विजय माला का आवाहन करो। लंगड़ा आदमी खुद नहीं चल सकता है, खुद पुरुषार्थ में नहीं चल सकता है, नहीं दौड़ सकता है, तो कम से कम अंधे के ऊपर सवार तो हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है, रास्ता बनाता जाए, अंधा दौड़ता चला जाए आंखें बंद करके। क्या पूछ रहे हैं? फरिश्ता, फरिश्ता जो होते हैं, हाँ फरिश्ते जो हैं टाकी नहीं होते हैं, माने बोल बोल नहीं करते हैं। फरिश्ते जो होते हैं मनन चिंतन मंथन में मस्त रहते हैं, उनका मन बुद्धि सदैव चलता है, काहे में सुदर्शन चक्र उनका घूमता रहता है। बाबा कौन कौन से जन्म के पाप है ये संगम हुआ? नौकरी नौकरी की नौकरी नौकरी जा नौकरी है नौकरी जा सतीस बाबा पता है जागीर नौकरी नौकरी का पाप है ये नौकरी का माने कोई नौकरी कर रहा है कि कौन से जन्म के पाप है? बहुत पाप नौकरी भाई लोगों भी करते हैं, नौकरी माताएं भी करती हैं और नौकरी कन्याएं भी करती हुई देखी जा रही है। तो जो निषेध बताया है वो कन्याओं के लिए तो 100% टोटली निषेध बता दिया कि अगर निश्चय बुद्धि है कि बाप आया हुआ है तो उनको उनको कमाने की दरकार है, है? उनको कमाने की दरकार नहीं है। अच्छा माताएं हैं तो माताओं ने तो लौकिक जिंदगी जी है, लौकिक में बच्चे पैदा किए हैं, जो लौकिक में बच्चे पैदा किए हैं उनकी पालना करना रचयिता का धर्म है या नहीं है? है तो माताएं अगर रचना की पालना करने के लिए नौकरी करती हैं तो चलेगा, और बाप को तो नौकरी धंधा करना ही है। क्या कहा? पेट के लिए, अपने पेट के लिए, चाहे परिवार के पेट के लिए, चाहे बच्चों के पेट के लिए, पालना के लिए बाप को तो धंधा नौकरी करना ही करना है, नहीं करना है तब की वो स्टेज है
जब ज्ञान के ईश्वरी धंधे में इतना तीखा हो जाए तो लोग उसे बुलाने लगे, आओ हमारे यहाँ आओ हमको समझाओ, आओ हमारे यहाँ आओ समझाओ, तो कहेंगे वो धंधा करने की दरकार नहीं है। अगर नहीं बुलाते हैं इसका मतलब है कि अभी उस धंधे में एक्सपर्ट नहीं बने। बाबा मुरली में बुलाए मट्टी ईटा में पैसा नहीं लगाना है, परिवार मट्टी ईटा में मकान ईटा के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, मकान कोई प्रॉपर्टी बनाने, चाहे मकान हो चाहे दुकान हो चाहे कारखाना हो कुछ भी हो, कोई प्रॉपर्टी बनाने में पैसा नहीं खर्च करना, ठीक है। अपने परिवार बच्चों के लिए, बच्चों हाथ के भी मेहनत के भी, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी पैसा जमा करना है, बच्चों को पेट में जाना चाहिए, बाहर जाना नहीं चाहिए। मुरली में बोला है माता जी बोल रहा है कि बच्चे के लिए भी थोड़ा पैसा जमा करना। अरे बच्चे बालिग हैं नाबालिग हैं? नहीं बच्चे नाबालिग हैं, छोटा है, बात नहीं, आपके भी बेहद के भी बच्चों, बाप के आपके बच्चे भी बेहद के बच्चे, बाबा के बच्चे हैं सब, बेहद के बच्चों के आप बाप हैं? नहीं डर आपको क्या चिंता है, बच्चों को पेट में जाना चाहे, बाबा ऐसा ऐसा बोला, किसके हैं तुम्हारे हैं कि बाबा के हैं बच्चे, तो बाप बाप सोचे वही वही बात सोचे बाप को क्या सोचो, बाप को रास्ता बता रहे बाप सोचेगी मैं बाप की बात बच्चों बाबा बच्चों बोला था बाबा बच्चों को पेट में जाना चाहिए बाबा बोला था, हटके बच्चों की बाबा के बेहद के बच्चों की अलौकिक बच्चों की बात मत करो, अलौकिक बच्चों के लिए अलौकिक और पारलौकिक बात खुद ही समर्थ है, वे, वे बात और वो इतना समर्थ है कि वो किसी से मांगता भी नहीं, क्या उसे मांगने की भी दरकार नहीं, तो वो तो समर्थ है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, अपने लौकिक बच्चों की बात करो। हाँ भाई भाई को चिंता करने की बात नहीं है, भाई 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 की चिंता क्यों करे, अरे भाई भी बालिग है, छोटा भाई भी बालिग है, अपना अपना कमाए और खाए, वो बड़े बड़े भाई चिंता क्यों करे। अच्छा तो गाड़ी जाएगी ना पोखरा वाली, आपको फोन आ रहा है क्या? भाई बार-बार जिद कर रहा है, ड्राइवर से चिल्ला रहा है, माता जी से कर रही है, बोला भाई फोन कर रहा है, नहीं गाड़ी ड्राइवर से हाथ बोल रहा है, बोला भाई तो ये बोला भाई जी बैठा आपको भूख तो नहीं लगी है, आपको नींद तो नहीं लगी है, थक तो नहीं गए, जाने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जाने वाले तो बुद्धि चले गए, दूर नहीं है तुम्हारा, दूर नहीं है, जो जो नाम नहीं है तुम्हारा ना जी दे चिंतन ना करो, पर चिंतन नहीं मामा, अभी अभी बाय बाय, जो जा रहे हैं वो नहीं बोले, जाने वाले बोल रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं वो ब्रह्मा जी का मुख लेने को उनको दरकार नहीं है, वो जो वो यहाँ के बोल रहा है वो आपको ही सुनाई पड़ रहा है और कोई नहीं सुन रहा है जिसको सुनाई पड़े। हम सब लोग बुलाए पोखरा जाने वाले, हैं पोखरा जाने वाले सब लोग बुलाए बोल रहे जाना है, निकल के बाहर जाओ, बाकी पैसे तो जाने वाले उठो, बाकी पैसे नहीं छुट्टी।
भी दे दे तो रोका जाता है क्या? देखो एक तो खाने की चिंता होती है, जो पेटू ब्राह्मण है ज्यादा खाते हैं तो मोटे भी बहुत हो जाते हैं, नींद खूब करते हैं तो और मोटे हो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह, तो उनको चिंता लगी रहती है, इसलिए आपके बने के बारे में सोच रहे हैं। बाबा बाबा शनि संकट को भाने वो अर्थ क्या है? रानी ज्योतिषी बोलता है ना, शनि और संकट के अर्थ क्या है? क्या है शनि और संकट के अर्थ क्या होता है? शनि और संकट का अर्थ क्या है? जी संकट कहते हैं कोई विपदा आ पड़ती है ना, उसको कहते हैं संकट आ गया है। क्या संकट? हाँ, संग माने संपूर्ण और कट माने कट, कट जाए। क्या? जो पूरा ही कट जाना चाहिए। संकट आया, मान लो हमारे ऊपर कोई ने हमला कर दिया तो संकट आ गया ना। हम घर में सो रहे हैं और डकैतों ने डकैती डालना शुरू कर दिया तो संकट आ गया ना। तो संकट उसके कहते हैं। और शनि, शनि तो देवता है क्या? लेकिन जितने देवताएं हैं उन देवताओं में सबसे निश्चित देवता है शनि, फिर भी उसमें एक शिफ्ट बहुत बढ़िया है कि जिससे दोस्ती निभाता है वो दोस्ती छोड़ता नहीं है, दोस्ती पूरी निभाता है, चाहे वो राक्षसों के साथ निभाए चाहे वो देवताओं के साथ, लेकिन दोस्ती निभाने में फर्क दोस्ती बना। बाबा ने बोले बोले तुम पॉलिटिक्स से पावन बनो या ना बनो अंतिम समय में तुम्हें ले जाऊंगा जरूर बोले बाबा। कहता नहीं मेरा राय के धर्मराज ले जाऊंगा नहीं बनना चाहते तो मतलब मेरा राय के जो बैठा है वो पीट पीट के देवान खत्म कर देगा। धान होता है ना, धान में देवान का छिलका है, पीट पीट के छिलके को उतार देगा, चिंता मत कर। आप ही करें तो देवता, जो अपने आप करे अपने आप अपना छिलका उतार दे वो देवता, अपने आप नहीं उतारता है। अच्छा कोई कहता है ये कहे वो कहे, अरे भाई पुरुषार्थ कर, अरे भाई पुरुषार्थ कर, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, धक्का मारे तो धक्के से भी गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। तो जो धक्का मारते हैं उनका थोड़ा हिस्सा बन जाता है, धक्का मार के गाड़ी चल गई और थोड़ा पुरुषार्थ हो गया तो वो भी कुछ न कुछ छिलका उतरेगा। लेकिन कोई ऐसे होते हैं ना अपने आप करते हैं पुरुषार्थ, देवान का छिलका उतारने का न दूसरे के धक्का मारने से करते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं मेरे राइट हैंड धर्मराज चिंता मत करो। बाबा की याद में बचने के समय बाबा का फरिश्ता अभी अभी कहा है ना, फरिश्ता स्वरूप छाया का स्वरूप बाबा का, गीता पाठशाले में बाबा घूम के तकड़ मार के संदले में बैठ के हंसे, ये इसका अर्थ क्या है? ये क्या देखने है? ये देखना मार का है, सपना है? नहीं नहीं सपना है।
भी बना बाबा को ऐसा आवाज हो रहा है बाबा बाबा मुस्कुराए सम्मेलन बस रात में ऐसा संकेत हो रहा है कि गीता पाठ हवा में देख रहे हैं घूम रहे हैं एक बाप दादा घूमते हैं सब तो अच्छी बात है ना अच्छी आपको खुशी होती है ना उससे अच्छी बात आपको स्वप्न होता है आपको साक्षात्कार होता है आपको अनुभव होता है जाके बैठने तो वो अच्छी बात है अच्छी इतनी है कि आपको होता है क्या ये आप तक सीमित है लेकिन सबको आपकी गीता पाठशाला में जितने स्टूडेंट आते हैं सबको अनुभव नहीं होता लेकिन करना क्या चाहिए ऐसी स्टेज बनाए जो हमको अनुभव होता है वो हमारी संगीत साथी सबको अनुभव होने लगे बाबा संग बातचीत कर रहा है बाबा ऐसा करो बोल रहा है हाँ। वो बात मन में चाहे कि नहीं मानना चाहे वो समय मानो ना मुरली से टैली करो और मन मुरली से टैली करो कोई समझते है कोई न समझते मुरली तो कौन समय कौन काम करना है कौन समय मतलब तन मन धन सब सेवामा लगाओ सब सेवामा लगाउने बाबा बोल रहा है मुरली में तर कौन समय कौन को सेवा चाहेगा कौन बोलता है नहीं नहीं कौन समय तन का सेवा कौन समय मन का कौन समय धन का मुरली में बोला है जुन समय अनुसार बच्चों चल्न पर्दा है नि बाबा को मुरली गाया कोही समझते ओई एक बात बाबा नहीं करो ना नहीं कोई नहीं समझता है कोई समझता है नहीं समझता है तो पूछे गुस्सा ब्रह्मा बाबा बेसिक नाम वाले तो पूछ नहीं सकते वो होता तो समझते हैं तो गया तुम्हारा तो मर नहीं गया है ना जिंदा बैठा है ना पूछो बोल रहे थे मंजू माता कि हम जो प्रस्ताव रखते हैं लेकिन अच्छा बुरा सब कोई को सुना सुन गई इसको मन करके क्या करें नहीं वो लोग सब हमारा बात को ठुकरा देता है उनका कहना यही उनका माने इनको जो अनुभव होता है दूसरे लोग समझते हैं ये तो इनका अपना अनुभव है साक्षात्कार हो चाहे स्वप्न हो जो भी हो चाहे इनके अंदर प्रेरणा आए वो इनका अपना तक सीमित है सब तक तो नहीं है बाकी ज्ञान जो बाबा साकार में सुना रहा है वो तो सब तक है वो बात पर वो न समझ रहा है क्या नाम है बाबा को मुरली को बात भी कोई तो आत्मा नहीं समझ रहा है हम क्यों समझेंगे क्या करेंगे जहाँ चाह हुआ हरा जिसको चाह नहीं है तो क्यों समझाने की कोशिश करेगा बाबा ज्ञान पूरे बिंदी को कहेंगे या साकार और निराकार के लिए अच्छा सूर्य जब ऊपर तपता है तो उसकी तपत जो है वो शरीर को महसूस होती है कि नहीं तो वो साकार है या बिंदी है वो सूर्य साकार है या बिंदी है वो स्थूल सूर्य वो तो स्थूल सूर्य साकार है या बिंदी है जब दोपहर को खूब तपता है गर्मी उन दिनों में तो गर्मी अनुभव होती है ना तो ऐसे ही जो बिंदी है वो ज्ञान कहाँ से कैसे लाएगी जानकारी आपके पास कैसे लाएगी आत्मा है निराकार है कुछ नहीं कर सकती आत्मा जो है निराकार है वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक इस्लामियों को कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्लाम धर्म कौन सा है तो निराकार को साकार होना ही पड़े निराकार और साकार से ही सृष्टि चलती है सूर्य जिसको हम कहते हैं ज्ञान सूर्य शिव वो कोई में प्रवेश करके ही तीसरे नेत्र के रूप में साकार बनता है नहीं तो
तीसरा नेत्र ही नहीं है। सागर में भी यही नियम लागू होता है। सागर जो है वो पृथ्वी से अटैच है या आकाश में है? तो प्रजापिता पृथ्वी से अटैच है या बिंदी पृथ्वी से अटैच है? प्रजापिता अटैच है।